हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्ष, आप देख रहे हैं टू रिव्यूज। इस वीडियो के अंदर TVS के 3 स्कूटर और 4 बाइक्स दिखाने वाला हूं जो मोस्ट डिमांडिंग में रहती हैं और क्या प्राइस उनके हैं, कितने अपडेट आ चुके हैं 2024 के अंदर। ये है 125cc जुपिटर, फुली LED हेडलाइट सेटअप, LED DRLs, इंडिकेटर्स, हैजार्ड का ऑप्शन और फुली मेटल का स्कूटर है। 108 kg का वेट है और इसका जो सीट है उसके अंदर आपको 33 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। 117,000 रुपए इसकी प्राइसिंग हो चुकी है। न्यू मीटर आता है जो पहले एंटॉर्क में आता था, काफी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती है, मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्विचेस वो प्रीमियम मिलते हैं जो किसी और स्कूटर के अंदर नहीं मिलते। और इसके अंदर अच्छी बात यह कि 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक है जो आगे ही मिलता है, पीछे नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो बूट स्पेस है वो बढ़ जाता है। पीछे आपको बैक रेस्ट मिल जाता है जो पहले नहीं आता था, ये भी एक काफी बड़ा अपडेट है। पीछे की लाइट वही सेम है जो पहले आती थी, लेकिन कीक हटा दी है इसकी, अब कीक इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी जो पहले आती थी। काफी लोगों को सीट हाइट का कंफ्यूजन रहती है, 5 फीट अगर आपकी हाइट है तब भी आप इसको आराम से चला पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्कूटर है हमारे पास 110cc का जुपिटर, इसका प्राइस है 90,000 रुपए ऑन रोड, ये दिल्ली के प्राइस। इसमें ड्रम ब्रेक्स आते हैं, ट्यूब टायर आते हैं और अच्छी बात यह है कि जो 125 मैंने दिखाई थी उसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। LED लाइट्स मिलेंगी, LED DRLs नहीं मिलेंगी, सिंपल इंडिकेटर्स मिलेंगे और एनालॉग मीटर ही मिलेगा। इसमें डिस्प्ले जो है वो नहीं आती है, यहाँ पे स्विचेस की क्वालिटी काफी अच्छी है जो पहले नहीं आती थी। लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और यहाँ पे इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट वगैरह मिल जाता है। नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस, लेकिन यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट तो नहीं दिया, ऑप्शन दे रखा है। 21 लीटर का बूट स्पेस के अंदर मिल जाएगा, उसमें 33 लीटर का मिल रहा था और यहाँ पे 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, 50 से 55 का एवरेज आराम से दे देगी ये। इसका वेट है 107 kg का। नीचे आपको किक भी मिल जाती है, 110cc का इंजन मिल जाता है और यहाँ पे आपको इंटीरियर ब्लैक मिलेगा, आउट सिल्वर मिलेगा, 3 कलर ऑप्शन और भी इसमें मिल जाते हैं। 90,000 रुपए इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये है हमारे पास TVS की स्पोर्ट, और भी बाइक से मैं आगे दिखाऊंगा, वीडियो को देखते रहना, सबके प्राइस ही बताने वाला हूँ। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ले लेते हैं, TVS स्पोर्ट ये है माइलेज का किंग, सबसे ज्यादा माइलेज ये बाइक देती है, 60 से 65 का एवरेज आप इससे आराम से ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें बेसिक आती है, एनालॉग मीटर आता है अभी भी। इसके प्राइसिंग जो 72,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली के रखे गए हैं, स्विचेस वगैरह देख सकते हो सब बेसिक ही मिलेगा, लेकिन सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा, किक भी मिल जाएगी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आप ग्राफिक वाला लोगे तो उसके 4-5,000 रुपए बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, तो वो काफी अच्छी चीज हो जाती है। और इसकी वेट की बात करूं तो 112 kg का इसका वेट हो जाता है, हैलोजन बल्ब भी, लाइट आती है, इंडिकेटर भी बेसिक मिलते हैं। अब चलते हैं दूसरी बाइक पे जो काफी प्रीमियम देखने में ही लगती है, प्राइसिंग अगर मैं बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। रेडियन इसका नाम है, 110cc में ही आती है, क्लासिक लुक आता है इसका काफी ज्यादा क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा क्रोम का यूज किया गया है। डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, अलॉय व्हील मिल जाते हैं, और क्या चाहिए आपको। देखिए इंजन भी कितना प्रीमियम डुअल टोन कलर के साथ में मिलता है, गोल्डन ब्लैक और यहाँ पे सिल्वर का टच आप देख सकते हो एग्जॉस्ट के ऊपर। सीट आप देखो कितनी ज्यादा प्रीमियम है और काफी ज्यादा बड़ी सीट मिलती है, 3 आराम से बैठ जाते हैं, हुक्स मिल जाते हैं, पीछे कैरियर मिल जाता है, वो भी काफी अच्छे से बनाया गया है। TVS ने इसको बनाया इसलिए ताकि आप इसको सिटी में, गांव में अच्छे से राइड कर पाओ। और इस बाइक में प्रीमियमनेस की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आप देखो टैंक के ऊपर टैंक पैड भी मिल जाते हैं, 10 लीटर का टैंक है इसका, E20 का अपडेट भी आ चुका है, मतलब माइलेज इसका है 7 से 65 के बीच में। फुली डिजिटल मीटर कंसोल है और इसके अंदर USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, मल्टीपल लाइट्स मिलती है, मीटर के अंदर इको का मोड मिल जाता है और काफी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मीटर के अंदर। इस बाइक की राइडिंग पोजीशन, हैंडल बार काफी अपराइट है और यहाँ पे आपको काफी अच्छे प्रीमियम स्विचेस मिलते हैं हैंडल के ऊपर। यहाँ पे आप देखो सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट का दोनों का ऑप्शन आपको इस बाइक में मिलने वाला है, मात्र 90,000 रुपए इसकी प्राइसिंग है जो काफी अच्छी है क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर मिल जाती है जो TVS आपको देती है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी दे रही है और प्रीमियमनेस तो इसमें दूर से ही दिखती है, काफी अच्छे लुक्स के साथ में ये बाइक आती है। अब चलते हैं दूसरी बाइक की तरफ जो है हमारे पास 125cc के अंदर, 125cc में रेड, ये काफी बिकी थी जब ये लॉन्च हुई थी, उसके बाद से अभी तक इसमें काफी गिरावट आई है, लेकिन इसके लुक्स काफी ज्यादा स्पोर्टी हैं। LED DRLs आप फ्रंट में ही देख सकते हो कितनी ज्यादा स्पोर्टी लगती है और इसके लुक्स के साथ साथ इसके अंदर फीचर भी है, जैसे कि ये आप देख रहे हो एडजस्ट कर सकते हो लीवर को अपने हाथ के हिसाब से जैसे आप चाहो। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन मडगार्ड के ऊपर देखो आप, ये कुछ इस तरह से मडगार्ड बनाया गया है तो और भी ज्यादा स्पोर्टी इसको दिखाता है। काउल भी आपको मिल जाता है, TVS का लोगो मिल जाता है, टैंक आप देखोगे तो काफी अच्छे डिजाइन के साथ में टैंक इसमें दे रखा है, जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है लेकिन ये पूरा प्लास्टिक का है, यहाँ पे कोई भी रबड़ का यूज नहीं किया गया। उसके साथ में यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे दे रखा है कंपनी ने। उसके साथ साथ यहाँ पे मीटर आप देखो, इसके अंदर इतनी बड़ी डिस्प्ले कर दी है और पहले वो वाला मीटर इसमें आता था जो इससे पहले मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ पे काफी इन्फॉर्मेटिव मीटर बना दिया है जो काफी ज्यादा मोड्स के साथ में भी आता है और काफी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हेलमेट की, साइड स्टैंड की, किस गियर में चल रही है, वो सारी चीजें। स्विचेस भी आप देखो काफी अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं, मोड का ऑप्शन, नीचे सेल्फ का ऑप्शन, यहाँ से आप जब इसको प्रेस करोगे तो मोड वगैरह चेंज होंगे,
वो डिटेल वाली बात है, किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन 1,23,000 रुपये में आपको ये चीज़ें मिल जाती है, स्प्लिट सीट मिल जाती है और यहाँ 123 kg का वेट मिल जाता है। 1,23,000 रुपये की ही बाइक है ये और इसके अंदर 5 गियर आते हैं, 125 cc का इंजन भी इसके अंदर आता है, तो अच्छी खासी टॉप स्पीड भी मिल जाती है। एवरेज भी आपको 40 तक का दे देती है, 45-40 का। और पीछे से सीट इसकी ओपन होती है, लाइट्स काफ़ी छोटी हैं, नीचे इंडिकेटर मिल जाएंगे हैलोजन बल्ब के साथ में, नीचे नंबर प्लेट का स्पेस, मड गार्ड वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अब इसमें आपको 1,23,000 रुपये में अगर ये बाइक लेनी है तो आप ले सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं, आप सब चेकआउट कर लेना बाइक को देखने से पहले या लेने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल होने वाला TVS की जान पहचान और अपने लुक्स स्पोर्टी नेचर के साथ में पहचाना जाने वाला एंटॉर्क XT टॉप मॉडल, इसकी प्राइसिंग है 1,25,000 रुपये। इसके बारे में बात करेंगे, इसमें काफ़ी कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप देख ही सकते हो कितना प्यारा कलर लग रहा है। पीछे इसका फ्यूल टैंक आता है जो 5.8 लीटर का आता है, 770 mm की सीट हाइट है, 118 kg का इसका वेट है, 40 का एवरेज आपको दे देगी, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आता है, इसके अंदर स्विचेस भी आप देख सकते हो कितने प्रीमियम आते हैं। ये इसलिए सेल होता था क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर मिलती है, स्पोर्टी नेचर का यह स्कूटर है, एवरेज में ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था लेकिन फिर भी लोग इसको काफ़ी खरीदते हैं। इसमें मीटर कंसोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोड आते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, XT सपोर्ट मिल जाता है, तो इसकी वजह से लोग इसको पसंद करते हैं और ये एक प्रीमियम कैटेगरी का स्कूटर हो जाता है। तो 1,25,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके लिए वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है। LED डायल्स मिल जाती हैं, डिस्क ब्रेक है, अलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर है, सारी चीज़ें तो इसके अंदर कंपनी दे ही रही है और इसका इंजन भी काफ़ी रिफाइन कर दिया है कंपनी ने पहले से ज़्यादा, अब इसकी आवाज़ भी और बेहतर हो चुकी है, तो इस स्कूटर को आप ले सकते हो, ये वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन और भी हैं, वो भी आप चेकआउट कर लेना, लेकिन ये स्कूटर वैल्यू फॉर मनी है। अब चलते हैं हमारे पास दूसरी जो हमारी लास्ट बाइक है, दो इनके बारे में बात करेंगे। TVS रोनिन 225 cc की ये बाइक है, ये है इसका टॉप मॉडल, इसकी प्राइसिंग है 2,45,000 रुपये ऑन रोड, ये दिल्ली के प्राइस है। यहाँ पे आपको काफी बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क ब्रेक डुअल चैनल ABS, काफी बड़ा टायर, फ्यूल टैंक, डुअल टोन कलर, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक्स, और यहाँ पे आपको स्पेशल एडिशन का स्टिकर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। सीट थोड़ी छोटी है इसकी लेकिन चल जाता है काम, लेकिन मीटर कंसोल इसका थोड़ा यूनिक बनाया गया है, साइड में दिया गया है, काफी बड़ी डिस्प्ले है और यहाँ पे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। 3 मोड्स मिलते हैं इसमें अर्बन वगैरह करके, इसको हम डिटेल में दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्विचेस वगैरह आप देख लो कितना ज्यादा प्रीमियम है और मोड्स के बटन भी मिलेंगे। राइट साइड में इंजन किल स्विच सेल्फ स्टार्ट मोड का बटन, ये सारी चीजें राइट साइड में है। मिरर्स की बात करूंगा तो यहाँ पे ब्लैक आउट मिरर दे रखे हैं लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में दे रखे हैं, और ये तो किसी और बाइक में मैंने अभी तक देखे नहीं, ना स्कूटर में देखे, तो ये सिर्फ आपको TVS रोनिन के अंदर मिल जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे दे रखा है और इसकी जो की है ना वो भी वेव है, काफ़ी बड़ी साइज की दे रखी है। अब आगे देखोगे तो LED इसके अंदर DRL मिलेगी, LED लाइट्स मिलेंगी और USD सस्पेंशन मिलेंगे, काफ़ी बड़ा टायर मिलेगा फ्रंट में, आप देख सकते हो उसकी ग्रिप वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी एक तो बाइक है। प्राइस 2,45,000 रुपये, लेकिन सीट थोड़ी छोटी है उसके हिसाब से, रोनिन लिखा हुआ मिल जाएगा, बॉडी पैनल्स दोनों काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसको बंद कर देते हैं, अब चलते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है जो है ऑरेंज कलर, ये भी आप ले सकते हो, इसको मैंने सिर्फ कलर की वजह से इंक्लूड किया है, बाकी प्राइस वगैरह सेम है। ऑप्शंस में काफ़ी बाइक्स हैं आप देख सकते हो। इसके मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इसमें रह गई थी, वो है इसकी LED इंडिकेटर्स जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ये बाहर से आप लगवाने जाते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, बट कंपनी ने हैजार्ड के साथ साथ इसमें LED इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं। सारी डिटेल कवर हो चुकी है, आप अपनी सिटी का प्राइस पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।